इस मंत्र को और उसके बाद नारद जी को बताते हैं इति षोडश नाम नाम, 16 अक्षरों में मंत्र है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलियुग की जितनी भी गंदगी है उसका यह नाश कर देगा। और नात्र परतर उपाय, इससे कोई दूसरा परे उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृष्टिते, सर्व वेदेशु दृष्टिते, अगर सारे वेदों में दृष्टि डालेंगे तो इससे श्रेष्ठ उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। गीता से जुड़ो, परंतु आप में से कई सोच रहे होंगे कि गीता से जुड़ गए तो सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, भैया हमें नहीं जुड़ना। तो ऐसा नहीं है प्रभु जी, गीता आपको छोड़ना नहीं सिखाती। हम फिर आपसे आग्रह कर रहे हैं, गीता छोड़ विद्या नहीं है, गीता जो है योग विद्या है। योग विद्या का मतलब ये आपको जोड़ना सिखाती है, छोड़ना नहीं। समझ गए आप? तो कहने का अभिप्राय ये है, जब आप जीवन में कुछ ध्यान रखिएगा, भौतिक जीवन भी अगर आप जी रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है, जब आप भूखे होते हो तो क्या करते हो प्रभु जी? आप भोजन को जोड़ते हो, उससे भूख खत्म हो जाती है। सही बात है। जब आप प्यासे होते हो तो पानी को जोड़ते हो, प्यास खत्म। छोड़ते हो कि जोड़ते हो? जोड़ते हो प्रभु जी। सही बात है प्रभु जी। भूखे हो भोजन को जोड़ा, भूख खत्म। प्यासे हो पानी को जोड़ा, प्यास खत्म। गरीब हो तो पैसे को जोड़ा, गरीबी खत्म। अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर की एडवाइस को आपने जोड़ा, बीमारी खत्म। तो इसका मतलब आप क्या करते हो प्रभु जी? जीवन के अंदर जोड़ते हो तब आपकी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन प्राप्त होता है, छोड़ने से नहीं होता। सही बात है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता बताती है योग करना अर्थात जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? हम हिंदी में बोलते नहीं दो का दो से योग करो, मतलब क्या होता है उसका? जोड़ना। तो भगवत गीता योग विद्या की पुस्तक है, वो आपको भगवत गीता योग करना सिखाती है अर्थात जोड़ना। किससे जुड़ना है आपको? भगवान ने जो आदेश दिए हैं उन आदेशों से जुड़िए। आपके जीवन में ऐसी शांति आपको प्राप्त होगा, ऐसी शांति आपको मिलेगी, ऐसा सुख आपको प्राप्त होगा जो कभी खत्म ही नहीं होता और निरंतर बढ़ता रहता है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा सुख प्राप्त करना तो भगवत गीता के ज्ञान से जरूर जुड़े। गीता में भगवान ये कहते हैं जो भी भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लगाएगा उसे सुख मिलेगा, परंतु वो सुख कैसा? जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो आप नहीं जाना चाहते प्रभु जी ऐसे ज्ञान से? जरूर जुड़िए, गीता के ज्ञान को अवश्य जानिए। प्रोसेस हम बार बार आपको बता रहे हैं, 7210082100 इस नंबर को सेव करें, हमें मैसेज भेजें कि हमें फ्री गीता कोर्स चाहिए। बिल्कुल फ्री निःशुल्क सेवा है, आप सब तक ये पहुंच जाएगा। आपके पास लिंक भेज देंगे, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स में। 7210082100 ये नंबर है, तो आप सेव कर लें। सबसे एक छोटा सा निवेदन हम करना चाहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमारा सिर्फ कहना आपसे यही है, मुस्लिम जाने कुरान, ठीक है जी, ईसाई जाने बाइबल। तो हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हमें भी भगवत गीता अवश्य जाननी चाहिए। सही है प्रभु जी। हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदू सच्चे हिंदू बनो, भगवत गीता समझो और समझाओ। Por eso.
को और आपको डेली आधा घंटे का एक वीडियो प्राप्त होगा गीता जी पर, बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है गीता को जीवन में आप कैसे लगा सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए 7210 8210 7210 8210। देखो जी जब हम कीर्तन करते हैं भगवान के नामों पे तो हमारे पाप उड़ जाते हैं। क्या होते हैं पाप उड़ जाते हैं। तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि जी ये बताइए जी उड़कर जाते कहाँ पर है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो कोई ताली बजा रहा होता है उसके पास में जो बैठा रहता है और चुपचाप बैठा रहता है ताली नहीं बजाता उस पर जाते हैं उड़ के। आप ताली बजाइए धाम में प्रचार करने के लिए आए हुए हैं और हिंदू को इस ज्ञान से अवगत कराने के लिए कि भगवत गीता के ज्ञान को हर व्यक्ति को अवश्य जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में लगाना चाहिए। तो हमारी प्रक्रिया ये है कि हम कीर्तन करते हैं, फिर जब भक्तगण हमारे साथ सम्मिलित हो जाते हैं तो उनको हम मैसेज भी कन्वे करते हैं। तो ये बरसाना धाम में हम यहाँ पर हैं और बरसाना धाम में कुछ भक्तगण आए जिनको ये हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया। तो जानिए उन्हीं के शब्दों में किस तरीके से वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आप भी आनंद लीजिए इन भावनाओं में। जय गौर हरि। तो प्रभु जी आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अतुल शर्मा है और ये मेरी वाइफ है स्वाति शर्मा जी। और हम यहाँ पे राधा जी के यमुनानगर से आए हैं राधा जी के दर्शन करने के लिए। एक मिनट सिर्फ ये पूछना चाहूंगा आप क्या करते हैं प्लीज उसके विषय में बताएं। मैं फार्मा कंपनी में वर्किंग हूँ। मैं अभी जो इंजेक्शंस बनाते हैं क्रिटिकल केयर इंजेक्शंस बनाते हैं जो, और हम कल परसों से यहाँ पे अभी आए हुए हैं हम यमुनानगर से दर्शन करने के लिए। और आपकी ये जो मुहिम है हर एक हिंदू को इस जोड़ने से भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। आप बहुत अच्छे एक रास्ते पे चल रहे हैं और उसी में सबको जोड़ना आप चाह रहे हैं जो, हम आपके साथ हैं इसमें। और हम चाहते हैं हमारे जैसे जितने भी युवा जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके आपके साथ जुड़ें और हमारी जो संस्कृति है उसको आगे लेके जाएं हम सब अपनी। एक और हमारा आपसे प्रश्न है, प्रभु जी से ही पूछ रहे हैं। प्रश्न हमारा ये है प्रभु जी की, जैसे आपको बहुत अच्छा लगा तो पहली चीज़ तो ये कि जो हमने आपको बताया कि आप नंबर सेव करें, आपने सेव कर लिया, आपने मैसेज भी भेज दिया, अब आप ज्वाइन भी हो गए हमारे ग्रुप के अंदर, तो अब उसके अंदर जैसे आपको डेली आधा घंटे का वीडियो सुनना होगा तो उसके लिए आप समय निकालेंगे? हर चीज़ के लिए एक टाइम निकालते हैं और ये तो फिर हमारी संस्कृति है और यहाँ से ही हमने आगे जाना है सबने और इन्हें ही आगे लेके आगे हमने चलना है। तो ये तो हमारे लिए सब चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये सब तो हमारे लिए। तो मतलब आप इसको सुनेंगे ठीक है ना भाई? हाँ जी। तो केवल प्रभु जी का नहीं कहना, जो भी भक्तगण हमारे साथ कीर्तन में सम्मिलित हुए हर एक का कहना है। चलिए आप सब पकड़ के अपना अपना अनुभव बोल दीजिए। हम यमुनानगर से हैं, रितु बप्पर हमारा नाम है, हम अपने हस्बैंड के साथ आए हुए हैं और हमें यहाँ आनंद बहुत ही ज्यादा मिला है कि क्या कहे, अब घर जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों? क्योंकि बरसाने में ही हमारा दिल लग गया है, राधा रानी के पास ही हमारा दिल खो गया है। अब पता नहीं हम घर कैसे जाएंगे और उनके बारे में क्या सोचेंगे कि कब हम फिर दोबारा यहाँ आएंगे। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जैसे कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और राधे राधे का आपने बहुत ही अच्छा संकीर्तन किया है, उसके आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रेणु खन्ना यमुनानगर से, मैं तो आज इतने दिन से राधा राधा राना का नाम रट रट के पागल हो गई थी कि राधा रानी कब दर्शन देंगी कब दर्शन देंगी, और आज ऐसा हुआ सौभाग्य मिला कि दर्शन के साथ साथ उनके कीर्तन का भी वो मिल गया समय हमें और आप लोगों से जुड़ने का भी महत्व मिला। बहुत
बहुत ही आनंद आया कि जाते जाते ही कह रहे चलो चलो, मैंने कहा रुक जाओ थोड़े दर्शन और सही, थोड़े दर्शन और सही, दिल ही नहीं कर रहा, एक तो दिल हो रहा है कि इनको भेज के यही रह जाओ। मंत्र बोलना चाहूंगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल लो, अब बताइए बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बरसाना में आके, और आपका कीर्तन मैंने बहुत एंजॉय किया, और मैं मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे को यहाँ इतना अच्छा लगा। हाँ हाँ वो बिल्कुल सुना जाएंगे, और वहाँ पे भी आप लोगों का फॉलो करेंगे, मैं तो गीता पढ़ती भी हूँ। कृष्णा